क्या अपने ग्रामी ये मुसलमान है, ये अंदाजे मुसलमान ही है। आज हम अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे में केक काटते हैं, है कि नहीं? ये ईसाइयों का तरीका है हैप्पी बर्थडे मनाना और उसमें जो है इंग्लिश गीत गाना और उसको ये करके केक काटने के बाद एक दूसरे के चेहरे पे लगाना, एक दूसरे को खिलाना, जवान लड़कियों का जवान लड़कों को अपने हाथ से केक खिलाना, अपने जो है फ्रेंड को केक खिलाना, ये सब शरीयत में नाजायज और हराम है। इसलिए कि ये तरीका अंदाजे मुसलमानी नहीं है बल्कि ये अंदाजे ईसाइयत है, ये अंदाजे यहूदियत है। हम यहूदी और ईसाइयत को क्यों उसके कानून को माने, अपने घर में बेहयाई को क्यों जगह दें? आज आज की माँ बाप से बोल रही है कि जनाब केक लेके आइए, मेरे बेटे का बर्थडे है, उसके बर्थडे में केक काटना पड़ेगा, उसके फ्रेंड आएंगे, उसके दोस्त अहबाब आएंगे। ओ नादान औरत, तुमने कभी सोचा है जिस बच्चे की पैदाइश में तुम बर्थडे मनाकर केक काटते हो, ईसाइयों के तरीके को में डाला है? काश अगर उलमा को बुला लेते, मौलाना बशीर साहब को बुलाते, मौलाना हबीबुर रहमान साहब को बुलाते, मौलाना हसीम साहब को बुलाते, इमाम हाफिज़ कारी जाकिर साहब को बुलाते और कहते कि हुजूर आज हमारे बच्चे के बर्थडे है, मैंने बिरयानी पकवाई है और इस बिरयानी पर फातिया भी कीजिए और उसको जो है पहले आप उठाकर एक निवाला मेरे बच्चे को खिलाइए। कसम खुदा की मैं गारंटी देता हूँ जिस बच्चे की जबान पे पैदाइश के दिन की तारीख पर एक आलिमे दीन या हाफिज़े कुरान फातिहा देकर वो नवाला उठाकर खिलाएगा, वो बच्चा कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं होगा बल्कि वो माँ बाप का वफादार होगा।